हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन दिस ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास विल बी लर्निंग सब्जेक्ट हिंदी लेसन इलेवन क्लास फाइव सब्जेक्ट हिंदी लेसन इलेवन पार्ट ग्यारह आज का पार्ट है चाय की पत्ती टी लीप्स चाय की पत्ती टी लीव चाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे ठीक है तो पार्ट ग्यारह लेसन इलेवन चाय की पत्ती दैट इज इन पेज नंबर थर्टी टू एंड थर्टी थ्री ओके यू कैन टर्न टू पेज नंबर थर्टी टू एंड थर्टी थ्री ये आपको मिलेगा पेज नंबर थर्टी टू और थर्टी थ्री में सबसे पहले देख लेते हैं चाय की पत्ती टी लिप्स ओके okay? चाय की पत्ती आप देख सकते हैं ओके okay? ये चाय की पत्ती है और सूखा करने के बाद इस तरह का सेप आ जाता है ये चाय की पत्ती ये है चाय बागान ओके टी गार्डन ओके चाय का बगान है ये टी गार्डन और यह चाय कप टी चाय की प्याली ओके पढ़ते हैं आपका पार्ट ग्यारह लेसन इलेवन ओके सबसे पहले पढ़ेंगे पीना मतलब होता है ड्रिंक पीना मतलब होता है ड्रिंक उसके बाद मतलब दूध है दूध को मिल्क बोलते हैं उसके मतलब है फिर बाजार बाजार मतलब मार्केट और उसके बाद है ड्राई ड्राई मतलब सूखा मतलब ड्राई और उसके बाद है फिर बाग गार्डन ओके okay. फिर देखेंगे फिर पढ़ेंगे पीना ड्रिंक दूध मिल्क बाजार मार्केट सूखा ड्राई बाग बगान गार्डन उसके बाद उबालना बॉयल प्रोत्साहित इनकरेज पौधा प्लांट ढलान स्लोप ओके पैदा करना ग्रो ओके तो पढ़ेंगे चाय के पत्ती के बारे में ओके आप खोल सकते हैं पेज नंबर थर्टी टू ओके यहाँ पर शिक्षक टीचर और छात्र के बीच जो बातचीत हो रही है दे आर हैविंग कन्वर्सेशन ओके विल स्टार्ट सबसे पहले शिक्षक पूछते हैं टीचर शिक्षक का मतलब होता है टीचर टीचर यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या तुम चाय पीती हो पुंसोला, पुंगसोला लड़की का नाम है ओके सी इज ए स्टूडेंट तो टीचर क्या पूछ रहे हैं क्या तुम चाय पीती हो पुंगसोला आप लोग भी पीते होंगे चाय ओके चाय टी पीती हो पुंगसोला तो पुंगसोला कहती है जी यस yes, मैं चाय पीती हूँ आई ड्रिंक टी ओके आई टेक टी माता जी माता मतलब होता है मदर माता जी और पिताजी पिताजी का मतलब होता है फादर ओके भी पीते हैं कौन कौन पीते हैं मैं भी पीती हूँ पुंगसोला क्या बोल रही है मैं भी चाय पीती हूँ और माता और पिताजी माय पेरेंट्स आल्सो दे टेक टी दे टी माताजी और पिताजी दादाजी ग्रैंडफादर तो दिन में कई बार ग्रैंडफादर तो कई बार मेनी टाइम्स चाय पीते हैं ही टेक्स मेनी टाइम ओके टी ओके दिन में कई बार पीते हैं ओके okay? चाय कैसे बनाते हैं तो शिक्षक पूछते हैं टीचर पूछ रहे हैं ओके चाय कैसे बनाते हैं ओके तो यहाँ पर पुंगसोला बोल रही है पहले पानी उबाल लेते हैं पहले क्या करते हैं चाय बनाने के लिए आपको पानी उबालना पड़ता है यू हैव टू बॉयल ओके यहाँ उबालना ऊपर मीनिंग में देख सकते हैं उबालना बॉयल बी ओ आई एल बॉयल ओके पहले सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू बॉयल वाटर ओके पानी उबलने पर वेन वाटर इज बॉयल उस में चाय की ओके okay, उसमें चाय टी ओके okay, चाय की पत्ती टी लिप्स डाल देते हैं ओके देन वी पुड टी लिप्स ओके टी फिर उसमें क्या मिलाते हैं थोड़ा दूध मिलाते हैं दूध मिल्क और थोड़ी चीनी मिला देते हैं वी मिक्स विथ मिल्क एंड शुगर चीनी मतलब सुगर दूध मतलब मिल्क ये चाय बनाने की विधि है ओके प्रोसीजर ओके प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी ओके पहले क्या करना है पानी उबालना है उसके बाद फिर क्या करना है उसमें थोड़ा दूध और थोड़ी चीनी मिला देते हैं। हैं, शिक्षक पूछ रहे ठीक राइट ना यूर करेक्ट क्या तुम बता सकती हो कि चाय की पत्ती कहाँ से आती है चाय की पत्ती कहाँ से आती है फ्रॉम वेर वी गेट टी लिप्स ओके चाय की पत्ती कहीं ना कहीं से तो न हमें मिलता है वो कहाँ से आती है चाय की पत्ती ओके तो यहाँ पर पुंसोला बोल रही है चाय की पत्ती बाजार से आती है चाय की पत्ती कहाँ से लाते हैं हम बाजार से बाजार में जाते हैं और खरीदते हैं वी बाय इट फ्रॉम मार्केट ओके फ्रॉम शॉप शिक्षक बाजार में कहाँ से आती है तब बाजार में भी कहाँ से आती है ओके तो पुंसोला बोलती है ये तो मुझे नहीं मालूम आई डोंट नो टीचर ओके माता जी बाजार से खरीद कर लाती है ओके माताजी मदर बाजार से खरीद कर मतलब ओके फ्रॉम मार्केट ओके बाजार से खरीद कर लाती है ओके शिक्षक कहते हैं मैं बताता हूं आई सुनो लिसन सुनो का मतलब होता है लिसन ओके आप लोग भी सुनिए देखिए चाय का पौधा होता है चाय का क्या होता है पौधा होता है चाय का क्या होता है पौधा पौधा मतलब प्लांट ओके चाय का प्लांट होता है ओके चाय के पौधे की पत्तियां तोड़कर और क्या करते हैं इस चाय के पौधा से हमें पत्तियां मिलती हैं, तो उसको तोड़कर तोड़ना मतलब प्लकिंग करते हैं उसको प्लक करते हैं तोड़ते हैं उन्हें सुखा लेते हैं आफ्टर प्लकिंग क्या करते हैं सुखा करते हैं उसको सुखा करने का मतलब है उसको ड्राई करते हैं सूखा मतलब ड्राई फिर सूखी पत्तियों सूखी पत्तियों मतलब ड्राई लीव्स को क्या करते हैं डिब्बो में भर लेते हैं ओके डिब्बो में पैकेट में भर लेते हैं ओके क्या करते हैं डिब्बा में डिब्बो में ओके कंटेनर में भर लेते हैं वी फील इट इन कंटेनर ओके पुंगसोला बोलती है चाय का पौधा कहाँ उगता है ओके उगना मतलब ग्रो ओके डू वी ग्रो टी प्लांट ओके तो कहाँ उगता है शिक्षक बताते हैं चाय का पौधा टीचर क्या बोल रहे हैं चाय का पौधा पहाड़ी ढलानों पर माउंटेन पर उगता है माउंटेन स्लोप्स में वो चाय का पौधा ग्रो ग्रो होता होता है 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 उगता असम में चाय के बहुत से बाग है बाग मतलब बगान गार्डन ओके असम में जाएंगे असम में तो असम तो स्टेट है ओके और नेबरिंग स्टेट ओके असम तो असम में भी बहुत सारे बाग हैं, बगान है चाय का बगाने, है ओके अब नागालैंड में भी चाय की खेती को क्या कर रहे हैं हम लोग नागालैंड में प्रोत्साहित इनकरेज कर रहे हैं वी आर इनकरेजिंग टी ओके प्लांट किया गया बता सकती हो चाय का पौधा सबसे पहले किस देश में पैदा हुआ फ्रस्ट ओके चाय का पौधा किस देश में पैदा हुआ ओके पुंगसोला कहती है ये तो नहीं जानती आई डोंट नो टीचर ओके वेन वॉज द फर्स्ट टी प्लांट वॉज प्लांटेड ओके इट वॉज ग्रॉन शिक्षक बताते हैं चाय के पौधों का प्रयोग प्रयोग मतलब यूज प्रयोग मतलब क्या होता है यूज सबसे पहले सबसे पहले मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ओके okay? चीन में हुआ चीन मतलब चाइना चीन बोलते हैं हिंदी में ओके चाइना कंट्री है और नेबरिंग कंट्री ओके चीन बोलते हैं उसको चीन मतलब चीन मतलब चीनी नहीं है ओके चीन मतलब है चाइना हिंदी में चीन बोलते हैं। चीन में हुआ चाइना में हुआ आज दुनिया में सबसे अधिक ओके चाय भारत भारत मतलब इंडिया और कंट्री हमारा देश भारत में पैदा होती है ओके सो टुडे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इज आवर कंट्री इंडिया ओके हमारे देश में सबसे ज्यादा चाय बनता है तो हमारे लेसन है चाय की पत्ती टी लिप्स इसमें हम आज अभ्यास करेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज ओके एकस्थाइस करेंगे पेज नंबर आप खोल सकते हैं नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए ओके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए राइट डाउन दी एंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके चाय कैसे बनाते हैं? ओके ये किसने बोला था पुंगसोला ने बना बोला था कैसे बनाते पहले पानी उबाल लेते हैं पहले क्या करते हैं पानी उबाल लेते हैं फर्स्ट हुई बॉयल वाटर आंसर है उसका पानी उबालने पर उसमें चाय की पत्ती डाल देते हैं आफ्टर दैट वी पुट व्हाट टी लीव्स ओके फिर उसमें थोड़ा दूध लिटिल मिल्क थोड़ी चीनी लिटिल शुगर मिला देते हैं ये आंसर है आपका ओके नंबर टू चाय का पौधा कहाँ उगता है वेयर वेयर डू वी ग्रो टी प्लांट कहाँ उगता है ग्रो कहाँ होता है आंसर है चाय का पौधा टी प्लांट पहाड़ी ढलानों पर उगता है माउंटेन स्लॉप्स पर उगता है ये लिखिए आप अपने नोटबुक में नंबर थ्री चाय के पौधों का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ वेन वॉज द फर्स्ट टी लीफ वॉज यूज ओके कहाँ हुआ चाय का पौधों का प्रयोग सबसे पहले चीन में हुआ ओके okay, कहाँ पर हुआ चीन चाइना में हुआ ओके okay? दुनिया में सबसे अधिक चाय किस देश में पैदा होती है दुनिया में सबसे अधिक चाय भारत में इंडिया में इन आवर कंट्री सबसे ज्यादा पैदा होती है दीज आर योर क्वेश्चन आंसर्स ओके ओके ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए शब्दों में खाली ओके okay, खाली स्थान में खाली स्थान भरिए ओके दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए ओके फर्स्ट यू हैव टू सी हियर यहाँ पर वर्ड्स दिया गया है ओके शब्दों बोलते हैं हिंदी में वर्ड्स को शब्दों यहाँ पर है शब्दों चाय पौधा चीन पानी क्या क्या है चाय पौधा चीन पानी चाय टी पौधा प्लांट चीन चाइना पानी वाटर तो यहाँ सबसे पहले नंबर वन में करते हैं डैश उबलने पर उसमें चाय की पत्ती डाल देते हैं क्या उबलने पर चाय नहीं पौधा नहीं चीन नहीं पानी यस yes, पानी उबलने पर सब उसमें चाय की पत्ती डाल देते हैं नंबर चाय का डैश होता है चाय का क्या होता है चाय का पौधा होता है प्लांट होता है ओके दिस वन यू पुट इट हियर ओके यू राइट इट डाउन नंबर थ्री डैश के पौधों की पत्तियां तोड़कर उन्हें सुखा लेते हैं किसकी पत्तियां तोड़ते हैं ओके चाय के पौधे की पत्तियां ट्री टी प्लांट्स के पत्तियां तोड़कर उन्हें सुखा लेते हैं ड्राई चाय का पौधा सबसे पहले कहाँ पैदा हुआ चीन में चाइना में ओके सो so ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स ओके उदाहरण के अनुसार पढ़िए और लिखिए अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल्स फर्स्ट यू रीड इट देन यू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक ओके पहले क्या करिए आप पढ़िए ओके दे लिखिए लिखिए मतलब राइट ओके okay? पानी या एग्जाम्पल है पानी पीते हैं वी ड्रिंक वाटर पीते हैं वी ड्रिंक वाटर ओके दूसरा है आना दिया है क्या दिया है आना तो आना का मतलब होता है आते हैं ओके okay? ओके okay, आते हैं पानी पीते हैं आना आते हैं जाना जाते हैं ओके okay, जाते हैं खाना खाते हैं ओके okay? आना का आते हैं जाना जाते हैं खाना खाते हैं ओके okay? ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं नौ नंबर नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द उस वर्ग उस ग्रुप का वर्ग उस ग्रुप का नहीं है उसे लिखिए वन वर्ड इज नॉट फ्रॉम दिस ड्स ओके नंबर वन चाय काफी दूध सेब ओके विच विच वन इज ओड हियर सेब ये इसका नहीं है चाय है कॉफी है दूध है ठीक है सेब नहीं है सेब मतलब एप्पल ओके okay? सेब तो ये उस वर्ग का नहीं है ओके सेब लिखिए वहां नंबर टू फल फूल कक्षा पत्ता ओके okay? फल फ्रूट फुल फ्लावर कक्षा क्लास पत्ता लिप्स ओके लिप तो कक्षा जो है इस ग्रुप का नहीं है तो कक्षा मतलब क्लास सो दिस इज नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप यहाँ लिख दीजिए कक्षा नंबर थ्री असम पुस्तक पंजाब कश्मीर क्या ये असम भी जगह का नाम है पुस्तक तो जगह का नाम नहीं है ये किताब है बुक है पंजाब भी जगह का नाम है कश्मीर भी जगह का नाम है तो ये स्टेट का नाम है तो पुस्तक जो है ये ओड है सो राइट डाउन पुस्तक हियर ओके बाद है चीन कंट्री का नाम है भारत इंडिया कंट्री का नाम है लंका भी इंडिया कंट्री uh, का नाम है गेंद गेंद, तो 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 ये तो कंट्री का नाम नहीं है, so write it down here, गेंद, okay? तो इस तरह से आप इस वर्ग का नहीं है उसमें लिख सकते हैं तो ओके दिस इज योर असाइनमेंट ओके दिस इज योर असाइनमेंट ओके लेसन का नाम क्या है चाय की पत्ती टी लिप्स ओके okay? चाय की पत्ती कक्षा कार्य वहाँ दिया है आपके किताब में कक्षा मतलब क्लास कार्य मतलब काम तो क्लास कार्य मतलब काम वर्क काम मतलब वर्क सो योर क्लास वर्क बट ओके नाउ आर एट होम ओके यू आर नॉट इन द क्लास रूम ओके डू वन थिंग नंबर क चाय के पौधों का चित्र बनाइए क्या कीजिए आप चाय के पौधों का चित्र बनाइए ड्रॉ टी प्लांट ओके यहाँ देखिए मैंने आपको यहाँ पिक्चर में दिया है ओके okay? फोटो में दिया है ओके दिस इज टी प्लांट ओके दिस इज टी प्लांट ओके दिस इज चाय का पौधा है ये प्लांट पौधा मतलब प्लांट ये चाय का पौधा है इसको देखिए आप आप ओके okay? फोन में भी दे सक देख सकते हैं और आप इसको देखकर भी बना सकते हैं किसी किताब से भी आप ले सकते हैं फ्रॉम ओके अदर बुक्स टू इफ देर इज़ अ प्लांट टी प्लांट यू कैन सी देर एंड ओके ड्रॉ दिस ओके तो ये आप ड्रॉ कीजिए ओके okay? चाय का पौधा है ओके okay? चाय का पौधा है तो ये जो पौधा है आप ड्रॉ कीजिए ओके यू ओके इसको यू ड्रॉ इट ओके आप बनाइए इसको और आपने कॉपी में अपने नोटबुक में रखिए ओके okay? चाय का पौधा तो आज हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में पढ़ा आज हम लोग ने पढ़ा चाय की पत्ती के बारे में है ना? हम चाय पीते हैं ठीक है तो टी पीते हैं तो इस चाय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और आज हम लोगों ने जाना कैसे चाय बनता है है नहीं, चाय कैसे बनाते हैं और ओके ये भी पढ़ा कि दुनिया में सबसे पहले चाय जो है चीन चाइना में ओके सबसे पहले वहाँ पर उगाया वहाँ पर उस पौधे को पहचाना ओके और उसके बाद आज तो सबसे ज़्यादा भारत में इंडिया में ओके इस पौधे को लगाते हैं और असम में और दूसरे स्टेट भी हैं ओके वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में भी और नागालैंड में भी शुरू कर रहे हैं यहाँ जैसे आपके किताब में लिखा है यहाँ पर कहाँ ये अब नागालैंड में भी चाय की खेती को प्रोत्साहित किया गया है ओके नाउ वी आर इनकरेजिंग ओके पीपल फ्रॉम नागालैंड टू ग्रो टी ओके टी प्लांट ओके तो इस तरह से हम चाय को ओके okay, उगा सकते हैं तो चाय बनाते हैं चाय पीते हैं तो डू आई हैव गिवन यू एंसर्स ओके चाय की पत्ती इस लेशन से उत्तर दिया गया है आप ये लिखिए राइट डाउन इन योर नोटबुक ओके अच्छी तरह से लिखिए विथ क्लीन हैंड राइटिंग विथ प्रॉपर हैंड राइटिंग ओके तो चाय की पत्ती है ये ओके okay? चाय की पत्ती के बारे में भी यहाँ बताया गया है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो ये आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को भी आप अपनी कॉपी में लिखिए ठीक है और ये उदाहरण के अनुसार अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जाम्पल ओके फर्स्ट यू रीड एंड राइट ओके तो ये भी कर सकते हैं और ये वर्ड विच वन इज़ द ओल्ड वर्ड ओके ये जो शब्द ओके okay, उस वर्ग का नहीं है उस ग्रुप का नहीं है तो उसको निकाल दीजिए और इस तरफ लिखिए जैसे मैंने लिख दिया है आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं ठीक है यू कैन कॉपी इट यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक ओके तो आपका काम क्या बताया मैंने आई हैव टोल्ड यू टू ड्रॉ अ टी प्लांट ओके टी प्लांट इन योर कॉपी ओके सो That's all for today. Okay. Do your homework. Okay. Do your lesson. Study well. Thank you.